श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भारत देश में हर त्योहार अपने पीछे एक आध्यात्मिक रहस्य को समेटे हुए आता है। ये तो हर त्योहार पर हम बाह्य रूप से कुछ न कुछ स्थूल परिवर्तन अवश्य करते हैं, और वो परिवर्तन होता है कुछ समय के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए। परंतु परम पिता परमात्मा चाहते हैं कि हमारे जीवन में सदाकाल का सकारात्मक परिवर्तन हो। हम पतित से पावन बन जाएं, एक साधारण मनुष्य आत्मा से दिव्य आत्मा बन जाएं। आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा होली मनाने का एक नवीन तरीका सीखेंगे, और इन गुह्य रहस्यों को स्पष्ट करने के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। फिर सब आज हम बात करेंगे 23 मार्च 1970 के महावाक्यों के बारे में, और इसका टॉपिक है सच्ची होली मनाना, अर्थात बीती को बीती करना। फिर सब महावाक्यों को यदि हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि होली मनाना अर्थात सदा के लिए आज के दिन बीती सो बीती का पाठ पक्का करना, यही होली मनाना है। आप लोग भी अर्थ सुनाते हो, होली अर्थात जो बात हो गई बीत गई उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना, बीती को बीती कर आगे बढ़ना, ये है होली मनाना अर्थात होली के अर्थ को जीवन में लाना। फिर सब परमात्मा तो चाहते हैं कि जो हो गया उसे हम भूल जाएं, पास्ट को पास्ट कर दें, परंतु देखा गया है कि अक्सर इंसान प्रेजेंट में तो है परंतु चिंतन जो है वो पास्ट का ही कर रहा होता है। क्योंकि आध्यात्मिकता के अनुसार होली शब्द कई अर्थों को लेकर के आता है। जी, इंग्लिश में होली पवित्रता का प्रतीक है। जी, हिंदी में होली जो बात हो गई वो बीत गई। जी, और एक शब्द आता है होली माना हो लिए, जिसके थे उसके हो गए। तो जब हम परमात्मा के बच्चे बन जाते हैं, जी, उसके हो गए, तो जो बात बीत गई उसका बार बार सुमिरन और चिंतन नहीं करना, वो बीत गई। क्योंकि बीती बातें कई लोगों को बहुत डिस्टर्ब करती हैं, हमारे मन की स्थिति को नीचे ऊपर कर देती, इसलिए जो कमजोरी की बातें बीती हैं उनको याद नहीं करना। जो कोई अच्छी बातें हैं उनको याद करने से वो अच्छी स्थिति बन जाती। जी, इसलिए कमज़ोर बातों को कमज़ोर आदतों को बार बार रिवाइज करने से आत्मा जो है उसके चिंतन में डिप्रेशन में चली जाती है। इसलिए परमात्मा चाहते हैं कि जो बात हो गई बीत गई उसको बीती कर दो। अक्सर इंसान से कभी कुछ गलत कार्य हो जाता है, समझो कुछ समय पहले कोई गलत कार्य हुआ, और फिर हम बार बार सोचते हैं कि गिल्टी कॉन्शियस होते हैं कि वो मुझसे गलती हो गई, तो कैसे सही कहेंगे? उससे हमें कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिलता है। बुराई से भी अच्छाई ये है कि उससे अनुभव बढ़ गया। मान लो मेरे से कुछ गलत हो गया, तो गलती अगर हो गई एक बार और हमने महसूस कर ली कि गलत हो गया तो आगे नहीं होगी, तो गलती भी सिखा के गई, अनुभवी बना करके गई। इसलिए गलती को बार बार चिंतन में ला करके मेरे से हो गया नहीं होना चाहिए था, हमने उसे सीखा कितना, अगर सीख लिया तो हम आगे बढ़ गए। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं जो ऐसी गलतियाँ ऐसी कमी कमजोरियाँ थीं उनका चिंतन नहीं करो, उसे सीख करके आगे बढ़ जाओ। परमात्मा कहते हैं कि पुरुषार्थ की स्पीड को ढीला करने वाली मुख्य बात यह होती है कि बीती हुई बात को चिंतन में लाते हैं, अपनी बीती हुई बातें या दूसरों की बीती हुई बातों को चिंतन में लाना और चित्त में भी रखना। मतलब एक होता है चित्त में रखना और दूसरा है चिंतन में लाना। तो जो चित्त में भी ना हो, चिंतन में भी ना आए, और तीसरा होता है वर्णन करना। कोई बातें ऐसी होती हैं, मान लो कभी कोई बात आपने मुझे ऐसी कही जो मेरे को अंदर लग गई, मेरी कोई इंसल्ट कर दी, कोई आपने मेरी बात कट कर दी,
तो वो बात जैसे हमने चित्त में ले ली, अंदर चली गई। चिंतन अलग चीज है, चिंतन बाह्य रूप में आ जाता है, चित्त में जाना माना अंदर छप गई जा करके, दिल को लग गई, दिल को लग गई। तो वो जो चित्त के अंदर बैठ जाती बातें, वो कई बार चिंतन में बार बार आती रहती हैं, और जब चिंतन में आती है तो वर्णन भी हो जाता है। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा हमारे चित्त को साफ करता है। वैसे कहते हैं भगवान चित्त चोर है, परमात्मा जो है हमारे चित्त को अपना बना लेता पहले, माना दिल को, हमारी भावनाओं को अपने वश कर लेता है। जब हम परमात्मा को अपना चित्त दे दिया तो दूसरी बातें किसी की भी, कोई कुछ भी मेरे साथ गलत किया, वो हमारे चित्त में न रहे, और चित्त में नहीं होगा तो चिंतन में भी नहीं आएगा, और चिंतन में नहीं आएगा तो वर्णन भी नहीं होगा। इसलिए इसको चेक करना है। जब हम वास्तव में एकांत में बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो कोई भी बातें जो अंदर छिपी हुई हैं, चित्त के अंदर बैठी हैं, वो ही स्मृति में आती हैं। बार बार वो टच होती हैं आकर के, ऐसा हुआ था, मेरे से भूल हो गई, मेरे से नहीं होना चाहिए, या इसने ऐसा मेरे साथ किया। तो वो जो चित्त के अंदर बार बार बातें आ रही हैं, उनको महसूस करें, चेक करें, और उनको वहीं पर ब्रेक दे दें। और ब्रेक देंगे तो हम इस पुरुषार्थ के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। अगर उन्हीं का चिंतन करते रहे बार बार, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो सब, लेकिन कई बार इंसान योग करते हैं और फिर परमात्मा को याद करके सोचते हैं कि आगे से चिंतन नहीं करेंगे। फिर आप सोच लेते हो, कुछ समय तक रहता है, फिर कोई व्यक्ति उस बात को दोबारा छेड़ देता है, तो फिर दोबारा से वो चीज़ इमर्ज हो जाती है, तो इसके क्या कहेंगे? क्योंकि वो हमने अर्पित नहीं किया। मूल बात आती है, जो बात ऐसी कमी कमजोरी की है, हम लोगों को एक अच्छी विधि परमात्मा ने बताई है कि मान लो कोई बात बार बार आती है, तो उसको एक बार कागज पर लिख दो, और कागज पर लिख करके परमात्मा के बॉक्स में, उनके पास जो रखा होता है हमारे मेडिटेशन रूम में बॉक्स, उसमें डाल दो, अर्पित कर दो कि अब इस बात को मैं रिवाइज नहीं करूँगा, और उसको भूलने का प्रयास करो, अब मुझे इसको बार बार अंदर नहीं लाना है, ये हमने परमात्मा को सौंप दिया। अगर भाई साहब दूसरा व्यक्ति अगर उस चीज़ के बारे में आपसे पूछता है, तो ऑटोमेटिकली आप इमर्ज करके वो चीज़ बताते ही हैं। अगर न बताया जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें हमारा समय ही नष्ट हो रहा है, हमारे चित्त को वही दुख की महसूसता आ रही है, तो उससे, दुख से, अशांति से बचने के लिए तो यही है कि जो बीत गया उसका क्यों हम बात बार वर्णन करें। कोई याद भी दिलाता है तो उसको कहें वो बात उस समय की थी ना, उसको बीती को बिंदी कर दिया हमने, हम नहीं याद करते। तो अगर हमारी स्थिति अच्छी है, ज्ञान युक्त स्थिति है, तो हम उसको बिंदी लगा सकते हैं, बीती को बीती कर सकते हैं। नहीं तो जो आएगा सामने, याद कराएगा, उसको हम फिर वर्णन करने लगेंगे, और वर्णन करेंगे तो दुखी होंगे, बिल्कुल, और खुद दुखी होंगे, दूसरे को भी दुखी कर देंगे, तो एक हिसाब किताब बन जाएगा। आगे चलकर, क्योंकि होली का पर्व है, तो परमात्मा कहते हैं कि इस रंग को पक्का लगाना, यानी बीती बातों का हम चिंतन ना करें और बीती को बीती करें, इस रंग को पक्का करना, यही होली मनाना है। होली के दिन एक तो रंग लगाते हैं और दूसरा क्या करते हैं, एक दिन पहले जलाते हैं, एक दिन पहले होलिका जलाते हैं, दूसरे दिन मनाते हैं। जब यह रंग लग जाता है तो फिर मधुरता का गुण स्वतः ही आ जाता है। अपने व दूसरे की बीती को न देखने से सरलचित हो जाते हैं, और जो सरलचित बनता है उसका प्रत्यक्ष में गुण क्या देखने में आता है, मधुरता। वैसे होली का त्यौहार दो दिन मनाया जाता है। हाँ जी। एक रात को जब होली जलाते हैं, होलिका, वो तो एक बहुत बड़ी कहानी है। हाँ जी। नरसिंह अवतार की। हाँ जी। और उसमें भी प्रह्लाद के बारे में कहते हैं कि जो होलिका थी उसको एक वरदान भगवान से मिला था, प्रह्लाद की बुआ थी वो, तो उसको वरदान था कि आग उसको जलाएगी नहीं, इसलिए प्रह्लाद के पिताजी ने प्रह्लाद को मारने के लिए, क्योंकि विष्णु का ध्यान करता था, उनको पसंद नहीं आता था हिरण्यकश्यप जी को, तो उन्होंने उसको मारने के लिए एक युक्ति रची कि ऐसा लकड़ी का एक होलिका जलाई जाए, और उसमें ये होलिका जो उसकी बहन है वो प्रह्लाद को गोद में लेके बैठ जाए, तो होलिका बच जाएगी, प्रह्लाद जल जाएगा, लेकिन जिसका साथी भगवान है उसको कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, और उसको निश्चय भी था कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता,
तो कहते हैं जब होलिका उसको लेकर के बैठी और अग्नि लगाई गई तो वो अग्नि में उसकी जो वरदान की साड़ी थी वो उड़ कर गई और होलिका खुद जल गई और प्रहलाद ऐसे ही निकल आया बाहर। तो एक कहावत बनी हुई है, कहानी है, जिसका भगवान में भरोसा है, विश्वास है, उसको कोई भी विकारों की अग्नि भी जला नहीं सकती, कोई व्यक्ति उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता जी। तो प्रहलाद का निश्चय भगवान में अटूट था, उसकी यादगार में ये होलिका मनाई जाती और उसके बाद वो खुशी मनाते हैं। समझते हैं हम एक दूसरे को रंग डाल रहे हैं, रंग भी डालते हैं, आजकल तो इसको थोड़ा विकृत रूप हो गया है, कीचड़ भी डालने लगे हैं। वास्तव में रंग हमारे दिव्य गुणों का है, जो हमारे अंदर अच्छाइयां हैं उनसे हम एक दूसरे को रंगें, एक दूसरे को संग का रंग लगाएं। लेकिन आज उसके यादगार में एक दूसरे को पर रंग डालते हैं, होली के बाद, होली जलने के बाद बहुत अच्छे अच्छे गीत भी गाते हैं और उसके बाद फिर मिलन मनाते, स्नान पानी करके शाम के समय एक दूसरे को गले मिलते हैं, मिठाई खाते हैं, मिठाई खिलाते हैं। तो ये बहुत सुंदर एक यादगार बना हुआ है। लेकिन भारत के अंदर भी कुछ स्थानों पर होली नहीं मनाई जाती, कई स्थानों पर बहुत धूमधाम से मनाते हैं, कुछ दिन छुट्टी भी करते हैं और कई स्थानों पर इसको जानते भी नहीं। तो ये त्यौहार वास्तव में है एक आध्यात्मिकता को लिए हुए, इसको आज बाह्य रूप दे दिया गया। अब परमात्मा कहते हैं बच्चे ये जो मिठाई खा रहे हो, रंग लगा रहे हो, होली जला रहे हो, इसके आध्यात्मिक रहस्य हैं और उसको अपना लो तो आपके जीवन में सरलता, मधुरता, नम्रता कई गुण आ जाएंगे और वो रंग एक दूसरे को लगाओ। परमात्मा कहते हैं कि उनके नैनों से मधुरता, मुख से मधुरता और चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती है। तो इस रंग से मधुरता आती है, इसलिए मिठाई का नियम है। तो सब इसके बाद आगे मंगल मिलन कैसे मनाएं उसके बारे में परमात्मा कहते हैं कि संस्कारों का मिलन होता है। भिन्न भिन्न संस्कारों के कारण ही एक दो से दूर होते हैं, तो जब ये रंग लग जाता है मधुरता आ जाती है। परमात्मा का बच्चों से मिलन तो है ही, लेकिन आपस में सभी से बड़े ते बड़ा मिलन है संस्कारों का मिलना। जब ये संस्कार मिलन हो जाएगा तब जय जयकार होगी। वास्तव में जब ऐसे त्योहार आते हैं तो लोग कहते हैं जो हो गया उसको भूल जाओ, और विशेष करके होली पर जो बहुत समय से दुश्मनी चलती है लोगों की, बात नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं, तो इस त्यौहार पर जरूर एक लक्ष्य रखते हैं कि ऐसे लोगों से हम मिल करके बात को ख़त्म कर दें, जो बीत गया उसको ख़त्म कर दें। ये है संस्कार मिलन। वास्तव में अगर भुलाने की आदत बन जाए कि जो कुछ किया, जैसा भी मेरे साथ व्यवहार हुआ, अब मुझे भूल करके फिर से एक होना है, तो उसके लिए हम सबको जैसे गले मिलते हैं होली के त्यौहार पर, विशेष शाम के समय जब एक दूसरे के पास जाते हैं, पैर छूते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, तो ये बहुत सुंदर यादगार है। लेकिन ये है हमारे संस्कार मिलन का यादगार, और संस्कार मिलाने का सबसे अच्छा गुण है मधुरता, मीठा बोलना, मीठी दृष्टि, एक दूसरे के प्रति सम्मानजनक बोल, उससे ही संस्कार मिलन होते हैं। जब तक मिठास नहीं है, बोल में कोई भी प्रकार की कटुआहट है, कड़ुआपन है, तो संस्कार मिल नहीं सकते हैं। इसलिए परमात्मा कहता है ये संग का रंग मधुरता को धारण करो, सरलता को धारण करो, और यही संग लगाओ तो संस्कार मिलन हो जाएगा। परंतु प्रैक्टिकली लाइफ में तो देखा जाता है कि आध्यात्मिक रहस्य लिए हुए त्योहार हैं, और अगर त्योहार के वास्तविकता को कोई समझ करके उसको अपने जीवन में अपनाता है तभी उसके जीवन में उन्नति होती है। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि देवियों के बारे में गायन है कि जब पुरुषार्थ की विधि संपूर्ण हो जाती है तब सिद्धि भी प्राप्त होती है। कभी भी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए आप परमात्मा के पास नहीं आएंगे, देवियों के पास जाएंगे। देवियां स्वयं सिद्धि प्राप्त की हुई हैं तब दूसरों को रिद्धि सिद्धि दे सकती हैं। तुम्हारे पुरुषार्थ की सिद्धि तब होगी जब संस्कारों का मिलन होगा। सब एक तो है संस्कारों का मिलन जीवन के लिए और एक है सिद्धि प्राप्त करने के लिए। तो देवियां सिद्धि स्वरूप तब बनी जब परमात्मा से उन्होंने अपना संबंध जोड़ा जी। इसलिए देवियों को एक दूसरा नाम देते हैं शिव शक्ति जी। जिस शक्ति की, जिस देवी का कनेक्शन शिव परमात्मा के साथ है जी। तो सिद्धि दाता
परदाता तो भगवान ही है। हाँ जी। लेकिन जब हमने उससे अपना संबंध जोड़ लिया तो वो संबंध जोड़ने के साथ साथ हम आत्माएं भी सिद्धि स्वरूप बन जाती हैं। तो आजकल सभी भक्त भगवान के आगे सिद्धि नहीं लेते हैं, देवियों के पास जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जागरण करते हैं कि ये मुझे रिद्धि सिद्धि दे देंगी। और कई आत्माओं की मनोकामनाएं देवियों के मंदिर में उनकी पूजा करने से पूरी हो रही हैं। इसलिए सिद्धिदाता देवियों को माना है और उन्हीं से वरदान लेते हैं, लेकिन उनको देने वाला परमात्मा है। उसको न जानने के कारण देवियों के पास जाकर के वरदान लेते हैं और कुछ न कुछ सिद्धियां उनको प्राप्त हो जाती हैं। और वो तब मिली जब संस्कार मिलन हुआ। हाँ, जब संस्कार मिलेंगे आपस में, हमारे आपस में जो भी हम संगठन में रहते हैं, अगर संस्कार मिल गए तो सिद्धि की सफलता दिखाई देगी। अगर संस्कार मिलन नहीं होंगे तो टकराव पैदा हो जाएंगे और सिद्धियों का दुरुपयोग हो जाता है। मान लो आज मेरे को कोई संकल्प की सिद्धि है कि मैं जो बोल दूं हो जाए, जो मेरे मुख से निकले हो जाए, या जो संकल्प उठे हो जाए, जैसे सिद्धि है। और ये सिद्धि अधिकतर जो बहुत शुद्ध संकल्पों में रहते हैं उनको प्राप्त हो जाती है। जी। जिन्होंने अपनी वाणी पर अपना कंट्रोल रखा है उनको वाणी की सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है। लेकिन कई बार हमारे संस्कार जहाँ नहीं मिलते हैं उसका हम दुरुपयोग कर लेते हैं। वो सिद्धि जो है, जो सुख देने के लिए है, सबको मदद करने के लिए है, वो टकराव के कारण, मनमुटाव के कारण वो सिद्धि का गलत प्रयोग हो जाता, जिससे उस सिद्धि को हम कईयों के दुख के लिए, कोई के गलतियों के लिए, कईयों को गिराने के लिए भी काम में ले लेते हैं। और फिर वो सिद्धि रहती है या नहीं रहेगी? उसका दुरुपयोग करने से सिद्धि कई बार रिटर्न में हमें भी नुकसान पहुंचाती है। मान लो अगर हमने किसी का बुरा किया, कोई को हमने डाउन किया, तो अगर उसने स्वीकार नहीं किया, वो बहुत शक्तिशाली आत्मा है, तो वो जो हमने गलत किया उसका रिटर्न कई बार उस आत्मा को जिसने किया उसको परेशान करता है। परंतु भाई साहब, कई बार ऐसा होता है, समझो किसी के मन में सिद्धि है और फिर उसके मन को कोई दुखाता है, उसको कोई परेशान करता है, फिर उसके मन में दूसरे के प्रति जिसने परेशान किया कुछ गलत भावना निकलती है। डेफिनेटली वास्तव में सिद्धि का प्रयोग इसलिए हमें नहीं करना चाहिए। मान लो अगर कोई ऐसी है भी, क्योंकि परमात्मा हम सबको एक बहुत अच्छा वरदान देते हैं कि तुम पवित्र आत्माएं संगम युग पर वरदानी आत्माएं बन जाती हो, सिद्धि स्वरूप बन जाती हो, इसलिए एक एक बोल पर, एक एक संकल्प पर, एक एक कर्म पर बहुत अटेंशन दो। क्योंकि अगर मान लो आपने किसी के लिए कह दिया ये सुधरेगा ही नहीं, ये तो बदलने वाला ही नहीं है, ये तो है ही ऐसा, आपने तो साधारण शब्द में बोल दिया, लेकिन आपके बोल पवित्र होने के कारण अगर सिद्ध हो गए तो उसका सदा के लिए कल्याण हो जाएगा। तो ये भी हम नहीं कह सकते कि सुधरेगा ही नहीं। इसलिए परमात्मा कहता बच्चे एक एक बोल बहुत कंट्रोल में रखो, ऐसे नहीं जो आया बोल दिया, जब आया बोल दिया। अब सहन शक्ति रखनी पड़ेगी, ऐसे सहन भी करना पड़ेगा, और दूसरा जो हमें सिद्धियां प्राप्त हुई उसके स्मृति स्वरूप में रहना पड़ेगा। जी, ये वरदानी बोल हैं और किसी के लिए भी साधारण बोल ना निकलने चाहिए। परमात्मा हमें कहते हैं कि संस्कारों को मिटाने के लिए और मिलाने के लिए दिलों का मिलन करना पड़ेगा। दिल के मिलन से संस्कार भी मिलेंगे, तो संस्कारों को मिलाने के लिए भुलाना, मिटाना और समाना, ये तीनों ही बातें करनी पड़ेंगी। कुछ मिटाना पड़ेगा, कुछ भुलाना पड़ेगा, कुछ समाना पड़ेगा, तब यह संस्कार मिल ही जाएंगे। यह है अंतिम सिद्धि का स्वरूप बनना। संगठन में कई बातें जब हो जाती हैं, अगर हम उनको बार बार चिंतन में लाते हैं तो जैसे वो जब सामने कोई व्यक्ति आए वो बात याद आए कि हमने मिटाई नहीं। तो पहली बात है, जो बात हो गई जब हुई उस समय कोई ऐसे कारण होंगे, उसको मिटाना है जी, उसको बार बार याद नहीं करना, रिवाइज नहीं करना, नहीं तो पक्का होता जाएगा, और जब मिट जाएगा तो भूल भी जाएगा। कुछ समाना पड़ता है, कुछ मिटाना पड़ता है, कुछ भुलाना पड़ता है, तब हमारे दिल आपस में मिलते हैं। क्योंकि अगर हम दिलों का मिलन नहीं करेंगे तो संगठन में हमारा चलना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। दिल का मिलना माना एक दूसरे के विचार मिलना, एक दूसरे की भावनाएं मिलना, इसका ही दिल मिलन कहते हैं। कोई स्थूल बातें नहीं है, लेकिन हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारे संस्कार एक दूसरे से मिलें,
लेकिन मिलने के लिए कुछ सहन भी करना पड़ेगा, कुछ समाना पड़ेगा, कोई बातें भुलानी पड़ेंगी, कुछ हुआ होगा, कभी भी हुआ होगा, तो ज्ञान से, समझ से, कोई कारण से हुआ होगा, तो उस समय हुआ था, अब तो नहीं हो रहा है, उसको मिटा देना है। एक दो की बातों को स्वीकार करना और सत्कार देना, अगर स्वीकार करना और सत्कार देना ये दोनों ही बातें आ जाती हैं, तो फिर संपूर्णता और सफलता दोनों ही समीप आ जाती हैं। सिर्फ इन दो बातों को ध्यान देना, दोनों ही बातों को समीप लाना है, एक है स्वीकार करना और दूसरा है सत्कार देना। हमारी जो निमित्त आत्माएं हैं ना, इन दोनों गुणों को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने जीवन में धारण किया है। मान लो हम कोई अपनी बात करते हैं तो कभी भी वो कट नहीं करते, वो स्वीकार करते हैं। वास्तव में बात को स्वीकार कर लेना यही सत्कार देना है। क्योंकि अगर मान लो हमने जो बात कही, हमने तो अपनी समझ से अच्छी कही जी, भले वो अच्छी नहीं भी है, लगता है बड़े भी समझते हैं ठीक नहीं है, लेकिन तुरंत कभी कट नहीं करेंगे, उसको कहेंगे अच्छा ठीक है आपकी बात समझी, आगे चल करके इस पर विचार कर लेंगे। जैसे उस बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया, नहीं नहीं ये रांग है, बिल्कुल ठीक नहीं है, हो ही नहीं सकता, तो उसको एक ठेस पहुंचती है, उसको लगता है कि मैंने तो इतना अच्छी बात, इतनी अच्छी राय दी अपनी समझ के हिसाब से, मेरी बात को इन्होंने स्वीकार नहीं किया, इन्होंने समझा नहीं, तो उसको अपनी बेइज्जती महसूस होती है। तो आवश्यक ये है कि संगठन को एक बनाने के लिए, सेवाओं में सिद्धि प्राप्त करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, संगठन में जो बातें कोई भी है, छोटा है बड़ा है, कुछ कम समझ वाला है, कोई बुद्धिमान है, बातें आती हैं उनको हम स्वीकार करें, उस समय कट नहीं करें। भाई साहब, खास तौर पर जब छोटे बच्चे अपने घरों में पेरेंट्स को कुछ कहते हैं तो अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि तुम तो बच्चे हो, अभी तुम इस बातों को नहीं समझते हो, तो उस समय उसको कट करते हैं, तो बेचारा कई बार तो उसकी अच्छी बात को भी कट कर दिया जाता है छोटा देख करके। लेकिन अगर माता पिता होशियार हैं तो उसकी बुद्धि को चेक करते हैं, ये जो कह रहा है हो सकता है राइट हो, तो तुरंत उसको कट नहीं करेंगे। भाई अलबेलेपन में कोई बात कह रहा है वो अलग बात है, लेकिन अगर थोड़ा समझदार है, समझ से कह रहा है, तो उस बात को स्वीकार करना चाहिए। आगे चल करके हो सकता है उसकी बुद्धि जो है वो डेवलप कर रही है, पिछले के कुछ हिसाब से संबंध होते हैं, कुछ उसके पिछले जन्मों के अनुभव होते हैं, तो छोटा है, हम समझ रहे हैं आयु में छोटा है, लेकिन आत्मा तो कई जन्म लेकर के आई है ना, कुछ अनुभव उसके साथ हैं। तो ये बात अगर ध्यान पर रहती है कि ये छोटा नहीं है लेकिन पिछले जन्मों के भी हैं अनुभव इसके पास, और अगर कुछ कह रहा है तो हम स्वीकार करें, तुरंत कट नहीं करें। अगर लगता है कि ये ठीक नहीं है तो बाद में जब समय आए तो बताया जा सकता है ये ठीक नहीं था इसलिए ऐसा किया। और आज की दुनिया में तो देखा गया कि सबकी ईगो बहुत ज्यादा बड़ी हुई है, ईगो हट इसी से हो रहा है, इसी से टकराव हो रहे हैं और इसी से ही आज दूरियां बढ़ रही हैं जी। अगर उस समय स्वीकार कर लिया जाए तो उसके ईगो को सम्मान मिलता है, कुछ भी है चलो ठीक है, हमारी बात सुनी तो बड़ों ने। आज मान लो आप हमारे पास आकर के अपनी बातें सुनाओ कि हमारे साथ ऐसा होता, हमारे साथ ऐसा, हम कहते नहीं नहीं आप रांग हो, वो ठीक है, माना हमने आपकी बात को सुन ही नहीं पाया। उस समय सुनना है, समझना है, उसके हाँ में हाँ भी मिलाना है, सत्कार देना है बात, अगर लगता है कि रांग है तो बाद में एकांत में या बाद में जब मूड देखें सरल हो जाए तब उस बात को कहें। बहुत सुंदर भाई साहब, आज हमने होली के एक बहुत ही अद्भुत रहस्य को समझा, और मैं समझती हूँ सभी लोग इसे अपने जीवन में अपनाएंगे और एक नए ढंग से होली मनाएंगे। भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा होली का एक नया अर्थ, यानी बीती को बीती करना, आपस में सदा मधुरता जीवन में लेकर आना और सदा संस्कार मिलन मनाना। परंतु संस्कार तब मिलेंगे जब हम कुछ बातों को भुलाएंगे, कुछ को समाएंगे और कुछ को मिटाएंगे। सदा ही हम एक दूसरे को सत्कार देते चलें, दूसरे की बात को स्वीकार करते चलें और मिलकर ईश्वरीय कार्य में सहयोगी स्नेही बनते चलें। हमारी आप सभी के प्रति यही शुभ भावना और शुभकामना है। अगले एपिसोड में इन्हीं महावाक्यों को हम और आगे बढ़ाएंगे और बहुत कुछ जानेंगे। तब तक के लिए ओम शांति। मुख्य सार,
होली मनाना अर्थात बीती सो बीती का पाठ पक्का करना, होली के अर्थ को जीवन में लाना, दो बातों पर ध्यान देना है, एक दो की बातों को स्वीकार करना और सत्कार देना।